के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका महिमा जी की रसोई में। हम यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने ट्राई कलर के वड़े बनाने यहाँ पर सीखे थे फरहाली, और अब दूसरी रेसिपी क्या होगी आइए उन्हीं से जान लेते हैं। तो महिमा जी, दूसरी आपकी इनोवेटिव सी रेसिपी क्या होगी? ये हम कद्दू की खीर बनाएंगे जी, ड्राई फ्रूट्स के साथ। ड्राई फ्रूट्स के साथ, तो कद्दू मीन्स पम्पकिन। बहुत सी जगहों पे कद्दू को और कुछ भी कहा जाता है जी। तो ये पम्पकिन की खीर बनेगी। तो उपवास में ये भी बहुत अच्छी होती है, हेल्दी कद्दू भी होती है। लौकी की आप खीर बना सकते हैं जी। तो नवरात्र स्पेशल चल रहा है और अभी अपने वड़े बनाने सीखे थे, अब महिमा जी हमें कद्दू की खीर बनाने सिखाएंगे। तो महिमा जी फटाफट से बारीकी से एक बार सामग्री बता दीजिए। बिल्कुल, हम इसके लिए कद्दूकस कर लेंगे जी, कद्दू को, और थोड़े से घी में इसको अच्छे से भूनेंगे पहले जी। उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डालेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े अच्छे से पक जाएं। बिल्कुल। उसके बाद दूध जो हमने गाढ़ा करके रखा है जी, और आप मार्केट से भी ले सकते हैं, अगर व्रत में अगर आप बाहर का नहीं लेना चाहते तो आप दूध गाढ़ा कर लीजिए, नहीं तो ये कंडेंस मिल्क आता है जो, बिल्कुल वो आप ले सकते हैं जी। और मैंने फ्लेवर के लिए केसर, इलायची और जायफल का यूज किया है जी। और अगर हम इलायची और जायफल नहीं भी लेना चाहें तो भी हो सकता है, कोई भी आप इसमें, या सिर्फ केसर डाल लीजिए। केसर से क्या कलर बहुत सुंदर आता है जी, इसलिए मैंने केसर का यूज किया। तो सामग्री के साथ साथ शॉर्ट में महिमा जी ने रेसिपी भी बता दी है, लेकिन हम आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि कैसे इसको बनाना है। तो चलिए महिमा जी शुरू करते हैं। शुरू करते, ये हमने गैस ऑन कर दिया है, अब हम इसमें घी डाल रहे हैं, शुद्ध देसी घी। ये हमारा घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें कद्दू डालेंगे और खूब अच्छे से ये कद्दू लाल होते तक भूजेंगे, तभी वो खीर में स्वाद आएगा जी। तब तक भूनना है जब तक ये घी ना छोड़ दे जी। थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाना है ताकि नीचे लगने ना पाए। जब तक ये पक रहा है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। ये हम काजू डाल रहे हैं, आप चाहें तो तोड़ के भी डाल सकते हैं। थोड़े से बादाम, थोड़े से मखाने तोड़ के, थोड़ी सी किशमिश। ये कद्दू की जगह हम लौकी भी ले सकते हैं और उसी प्रकार से लौकी की खीर बन जाएगी। और अगर आप इसमें थोड़ा घी और डालेंगे तो ये खीर की जगह आपका हलवा बन जाएगा, जो हलवा आप करीब 4-5 दिन तक भी यूज कर सकते हैं फ्रिज में रख के। देखिए ये लगना बंद हो गया है, इसका घी थोड़ा सा थोड़ा छोड़ना चालू हो गया है जी। जो बाजार का कंडेंस्ड मिल्क रहता है जी, उसमें शक्कर ऑलरेडी रहती है जी, तो आप उसके अनुसार ही शक्कर डालें जी। और आप शुगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप शुगर फ्री भी यूज कर सकते हैं जी। अब हमने जो दूध में भिगो के केसर रखा था वो हम केसर डालेंगे, थोड़ी सी इलायची पाउडर जी, अगर पसंद है तो ही डालें, और एक दो बार का जायफल, थोड़ा सा दूध डालें, कद्दू की खीर लगभग तैयार है, एक बॉयल आएगा जी तो ही हम इसको बंद करते हैं। सब तरफ से घी छोड़ दिया है जी, दूध भी पक गया है, जो शुगर ना खाते हो वो शुगर फ्री डाल लें। ये देखिए हमारा कद्दू एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है जी। और ये याद रखें कि दूध का प्रोपोर्शन एकदम अच्छे से लें जी, नहीं तो वो पान दूध और कद्दू अलग अलग रहेगा तो वो मजा नहीं आएगा खीर जी।
ये खीर हम इसमें निकाल लेते हैं जी। तो ये अंशुल हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है जी। ये मैंने आपको दी थोड़ी सी निकाल के रखी है ताकि थोड़ा ठंडी हो जाए, नहीं तो आपका मुंह में जल जाएगा। बिल्कुल। तो कद्दू की खीर जो है वो हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम चाहे तो फ्रिज में रखकर इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं। ठंडा करके और गर्म भी इसे हम खा सकते हैं। अगर उपवास में ज्यादा भूख लग रही हो तो उसको ठंडा करने का वेट नहीं कर सकते तो भी हम इसे खा सकते हैं। फूंक के प्लीज थोड़ा सा फूंक के खाएं। बिल्कुल महिमा जी, मैं ध्यान रख रही हूँ। तो कद्दू की खीर जो है वो बनकर तैयार हो गई है और बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको उसको टेस्ट करके बता दूं कि ये कैसी बनी है। यकीन मानिए अगर आप इसे बनाएंगे और किसी को अगर ये बोल कर दें कि ये कद्दू की खीर है तो वाकई इसमें कद्दू पता नहीं पड़ रहा है कि हमने इसमें कद्दू डाला है। और जो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो भी किसकर डाले हैं तो ज़्यादा दर्दरी भी नहीं हो रही है। और जो हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है वो भी अपना काम अच्छे से कर रहा है। तो महिमा जी, आपने बहुत अच्छी हमें कद्दू की खीर बनानी सिखाई है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया अपना और हमें दो डिशेस बना के खिलाई है। तो उसी के लिए स्वाद की टीम की ओर से और IBC की टीम की ओर से ये आपको छोटा सा गिफ्ट। कद्दू की खीर बनाने के लिए आपको चाहिए भुने हुए काजू, भुने हुए बादाम, भुने हुए मखाने, किशमिश, शक्कर, कंडेंस्ड मिल्क, पीसी इलायची, जायफल, केसर, दूध, किसा हुआ कद्दू। कद्दू की खीर बनाने की विधि, घी के साथ कद्दू को भून लें, काजू किसकर डालें, मखाने और किशमिश डालें, शक्कर डालकर अच्छे से मिक्स करें, कंडेंस्ड मिल्क डालें, केसर दूध, इलायची पाउडर और जायफल डालें, एक बड़ा कप दूध डालें, उबाल आने पर गैस बंद कर दें, गर्म या ठंडा कर गार्निश कर सर्व करें।